असलम व्यवर्स वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से तो चलें जी आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से तो आज है माशा माशा मुबारक की बारहवीं अवतारी तो अवतार की हम प्रिपरेशन कर रहे थे और मैं आपसे बहुत सारी बातें करती हूँ मुझे है मैं बहुत बोलती हूँ लेकिन मुझे बोलना अच्छा लगता है तो आज हम बना रहे हैं हमारी फेवरेट हमारी क्या सबकी ही फेवरेट होती है चिकन बिरयानी तो चिकन बिरयानी के लिए आपको सभी को पता होगा मैं क्या रेसिपी बताऊँ हर किसी की अपनी अपनी होती है तो मैं जिस तरीके से बनाती हूँ वो तो आपको वीडियो में नज़र आ ही रहा होगा तो हम जो हैं आप तो सबसे पहले तो आप ये करें ना कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाइक कर दें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलेगा तो ये चैनल जो है ये मैंने और आ, मेरी नंद है आयशा हम दोनों ने ना मिलकर ये वाला चैनल क्रिएट किया है तो इस पर हम दोनों इकट्ठा वर्क करते हैं तो आप हमें सपोर्ट करें आप हमें लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग हम लोगों ने सोचा हुआ है एक बहुत ही अच्छा कंटेंट हम लोग लेके आ रहे हैं बस उसी पे वर्क चल रहा है तो हमने कहा जब तक चलो हम उस पे वर्क कर रहे हैं तो हम ऐसा है ये जो व्लॉगिंग है आपको पता है अब रमज़ान में बंदा कहाँ जाए घर में ही होता है तेरी बात है अब अब सहरी तक तो आप लोगों को पता ही होगा कि सहरी तक तो बंदा सोता ही नहीं है सहरी करके फिर सोता है उसके बाद फिर कोई एक दो हो जाते हैं उस टाइम पे मैं आपको हमारी अपनी रूटीन बता रही हूँ तो मोस्ट ज़्यादातर लोगों का भी यही रूटीन होगी तो हम लोग जो है सहरी करके सो जाते हैं और एक दो बजे उठते हैं दोहर की नमाज़ के लिए उसके बाद फिर पता है अवतार के प्रपेशन पे लग जाते हैं क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर में लोग भी ज़्यादा हैं तो फिर वो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ें बनती हैं तो इसके लिए फिर हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए होता है और हम दोनों ही अवतार की प्रपेशन करते हैं तो अफ्तारी के बाद फिर ऐसी कंडीशन नहीं होती कि भाई उठ के जाए मैं तो देखती हूँ वीडियोज़ वगैरह देखती हूँ लोग सहरी करने बाहर जा रहे हैं अफतारी करने बाहर जा रहे हैं मैं कहती तू तो यार इनमें इतना स्टेमिना कैसे आता है कैसे ये इतनी एनर्जी होती है इनमें कि ये भाई शहरी के लिए उठ के आम से तो मुँह नहीं धोया जाता कौन है तो ये सहरी के लिए उठ के त्यार शयार होके बाहर सैरी करने जाते हैं अफ्तारी के बाद बाहर निकल रहे होते हैं यार अफ्तारी के बाद तो हिम्मत ही नहीं रहती बिल्कुल भी बाहर निकलने की तो बस इसी वजह से अभी तो फिलहाल हम यही घर में जो कुछ होता रहता है इसी की ब्लॉगिंग हम करते हैं तो इन हम लोग एक प्रॉपर कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं तो इन रमज़ान के बाद आप से हम लोग शेयर करेंगे तो जब तक आप हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और दुआओं में याद रखने के साथ साथ आप हमें सब्सक्राइब भी करें लाइक भी करें और कॉमेंट भी करें ताकि जो हम लोगों ने कॉन्टेंट हम क्रिएट कर रहे हैं वो आप तक हमारी वीडियोज़ जो हैं वो पहुँचती रहें तो बस मैं यही कहती हूँ कि जो स्टार्ट से बिगिनर्स होते हैं आप उनको भी सपोर्ट किया करें अब जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स होते हैं उन्हें तो चले हम कर ही देते हैं लेकिन अगर हम खुद में अपना भी आपको मिक्स ही कह रही हूँ कि अगर मैं भी कोई जो बिगिनर्स हैं उनको भी मैं एक सब्सक्राइब कर दूँगी तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा मैं तो कर दूँगी तो आप सबसे भी मेरी यही गुजारिश है कि आप बिगिनर्स को सपोर्ट किया करें तो ताकि जैसा आप करोगे वैसा आप बरोगे मतलब कि जैसा आप आप, आप लोगों के साथ अच्छा करोगे तो अल्लाह ताला आपके साथ अच्छा करेगा मतलब तो बस ये देखें हमारी बिरयानी बस बिरयानी का पहले हम मैंने मसाला बना लिया था तो मसाले में ये चिकन वगैरह उसके स्पाइसेस वगैरह और हम थोड़े से स्पाइसेस ज्यादा ही डालते हैं क्योंकि बिरयानी जब तक सही चटपटी और मसालेदार ना हो मजा ही नहीं आता तो फिर अब ये मैं जो कर रही हूँ बिरयानी का कोट लगा रही हूँ तो मैं तो इस तरह बिरयानी रेडी करती हूँ कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल जो बिरयानी का मसाला होता है चिकन वगैरह वो बिल्कुल नीचे रख देते हैं उसके ऊपर सारे फिर चावल एक दफ़ा रख के उसके ऊपर जो आपने प्रेजेंटेशन करनी होती है जैसे कि वो टमाटो रख दिए और वो मिर्चें रख दी और जो रंग होता है इनका कलर वगैरह बिरयानी कलर वो वगैरह वगैरह उस पर स्प्रेड कर दिया तो मैं तो ये करती हूँ हाफ़ चावल डालती हूँ उसके ऊपर फिर बिरयानी के थोड़ी से वो उसकी सॉरी क्या कहते हैं जो होता है मसाला इसका बनाया होता है उसकी एक लेयर डालती हूँ उसके बाद फिर चावलों की लेयर डाल के मतलब इस तरह तीन चार लेयर्स डाली जाती है इस तरह ये होता है कि बस फ्लेवर भी उसमें अच्छा आ जाते हैं और सब चावल बीच में कवर हो जाते हैं तो यहाँ पर तो मैं ये कर रही हूँ इसमें चावल डाल रही हूँ तो आप लोग मुझे ये बताएँ कि आप लोगों ने रमज़ान में क्या क्या अफतारी की क्या क्या की हैं कुछ ना कुछ तो होती है ना कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं भाई जो शुरू में ही अफतार क्या कहते हैं रमज़ान के शुरू में ही ना प्रपेशन करके रख देती हैं कि भई अफ्तारी के टाइम पर हमसे ये नहीं होता जैसे वेजेज़ वग़ैरह होती है वो कट करके चिकन होता है उसको अच्छे से धो के उनके वो, वो पैकेट्स वग़ैरह बना के फ्रीज़र में क्यों रख देती हैं क्योंकि हम लोगों ने भी ना ऐसे ही किया था हमने रमज़ान से दो एक दिन पहले हमने जो तो हम ग्रोसरी करके आते हैं रमज़ान की वो करके आए हैं तो हमने जो वेजेस होती हैं जो जैसे कि ज़्यादातर जिनमें उनमें डलती है क्या कहते हैं मेकर वगैरह में और जो समोसों की प्रिपरेशन होती है उनमें डलती है तो वो हमने पहले ही ना प्रिपेयर करके ऐसे ही रख दिए थे और ये चिकन वग़ैरह भी हमने पैकेट्स बना के रख दिए थे और ये देखें जी हम मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन रही हूँ ऊपर और मुझे ये चीज़ें करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है मैं इतने अच्छे तरीके से ये चीज़ें लगाती हूँ जैसे लाइक अगर मैं कोई कस्टर्ड वगैरह बनाती हूँ ना तो मैं उसको भी इतना अच्छा सा उसको उसको तैयार करती हूँ केक्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह सब कुछ ऐसे ज्लीस वग़ैरह लगा के हालाँकि बाद में अशर वही होना है घंटों के मैं नज़र ही नहीं आ रहे होते के के कि केक किधर जा रहा है और बिस्किट्स वग़ैरह कहाँ जा रही हैं ज्वेलिस वगैरह कहाँ जा रही हैं तो बस यही होता है अपना अपना एक होता है कि को मुझे तो इतनी अच्छी लगती है ना अब खाना हो उसकी प्रेजेंटेशन हो या घर की कोई डेकोरेशन हो तो वो डेकोर करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके बाद ये देखें जी ये हमारी बिरयानी का जो फाइनल लुक था जब मैंने इसका दस मिनट के बाद जो मैंने दम से हटाई थी तो वो कुछ इस तरह की थी और ये बहुत मज़े की बनी थी और बहुत स्पाइसी थी तो ये हमने डिश आउट कर ली थी अच्छा तो इसमें आपको वीडियो में मैं बता रही हूँ कि ये जो फेस पैक है ये आपको खूबसूरती का राज बता रही हूँ ये जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे मैं खुद भी यूज़ करती हूँ आपने ले लेना है वन टेबल स्पून आपने ले लेना है पुदीने के पत्तों का पेस्ट ले लेना है उसको आपने डाल देना है दालचीनी के पाउडर में और फिर आपने एक हाफ़ चम्मच जो है वो हल्दी ले लेनी है इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है और दार चीनी का जो पाउडर है ना वो भी आपने हाफ़ चम्मच लेना है और जो टी स्पून होती है और जो हल्दी हमने इसमें डाली है वो भी हाफ़ टी स्पून डाली है इसमें और वन टेबल स्पून हमने इसने इसमें डाला है पुदीनों के जो पुदीने का जो पत्ते होते हैं ना उनका पेस्ट डाला है और इसके अंदर वन टेबल स्पून हमने जो डाला है वो है शहद शहद को भी आपने अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर देना है और अच्छे से मिक्स करने के बाद ना देखें शहद आपके पास ऑर्गेनिक होना चाहिए क्योंकि ये लोकल जो बायर मार्केट से मिलते हैं ये तो लोकल नहीं होता है ये चीनी का बस वो आपने इन्होंने मिक्सचर बना के तो कुछ ऐसे रखा होता है तो आपने ऑर्गेनिक शहद ले लेना है और इसको अच्छे से मिक्स करके ये इतना साफ बना है ना ये आपके लिए जो है ये तीन से चार दिन के लिए इनफ होता है और ये देखें इस तरीके से आपके फेस पे ये आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपने दस से पंद्रह मिनट तक इसको अप्लाई रखना है तो आपका फ़ेस इंशाल्लाह इंशाल्लाह 10 दस से पंद्रह दिनों में बिल्कुल आपके चेहरे से दाग दबे वो बिल्कुल हट जाएंगे तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो थैंक यू फॉर वॉचिंग हाफिज़